हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 10 होमोजेनियस सीरीज। होमोजेनियस सीरीज क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो हमारी? सिमिलर हो, स्ट्रक्चर सिमिलर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सिमिलर हो। इन विच कंपाउंड डिफरेंट अदरवाइज CH2। और वो कार्बन हाइड्रोजन से क्या हो? डिफरेंट हो। उनके जो एटम्स हैं या जो कार्बन हाइड्रोजन है अटैच किए होंगे वो क्या हो? अलग अलग हो। जैसे हमारे दे रखा है एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्केन का जो फार्मूला था हमारा CnH2n+2 था, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ जो एन की जो वैल्यू हमारी, तो हाइड्रोजन और कार्बन की जो वैल्यू है हमारी तो क्या होनी चाहिए बन? तो वो आ जाएगा हमारा CH4 होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। एक कार्बन अटैच होगा बन कार्बन, तो उसे बोलेंगे मेथेन। एल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड से अटैच होता था, तो ये इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी CH4। एक कार्बन आइटम क्या होगा हमारा? 4 हाइड्रोजन आइटम से अटैच होगा। एल्केन में हमारा नहीं बनता है, एल्काइन में भी नहीं होता हमारा। अब बात करते हैं एन इक्वल टू टू, नंबर ऑफ एटम क्या हो? 2 हो। तो यहां पर बात करेंगे C2 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। C2H6 हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? अब कार्बन आइटम अगर डबल होता है तो बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। एन आ गया हमारा, इसको आगे बताएंगे क्यों होता है हमारा, सफिक्स में हमारा क्यों आएगा C2H4 है। यहाँ पर जो हमारा जो कार्बन आइटम है वो हमारा डबल बॉन्ड से अटैच होगा, इसे बोलेंगे एथेन। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, तो ये जो हमारा क्या कहेगा हमारा इथाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इथाइन कहलाएगा। अगर ये नंबर ऑफ आइटम क्या हो? 3 हो। कार्बन आइटम 3 होंगे तो 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा, C3H8 आ जाएगा। और ये आ जाएगा प्रोपेन। इसका जो फार्मूला जो नेम आ जाएगा केमिकल नेम प्रोपेन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। और ये आ जाएगा प्रोपाइन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड से, सॉरी डबल बॉन्ड से, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। अगर नंबर ऑफ आइटम क्या हो? 4 हो। 4 होंगे तो हमारा आ जाएगा ब्यूट आ जाएगा, इसे कहेंगे हम ब्यूटेन। 4 का मतलब 4 2 8 और 2 10 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर। और यहाँ आ जाएगा 4 4 2 8 4 2 8 -2 यानी कि 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा प्रोपेन आ जाएगा हमारा, सॉरी एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ये आ जाएगा हमारा ब्यूटेन आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं यहाँ पर? 4 है, तो ये ब्यूटेन आ जाएगा, ये ब्यूटीन आ जाएगा, और ये आ जाएगा ब्यूटाइन। अगर हमारा सिंगल कार्बन आइटम होगा तो वहां पर मेथेन आएगा, डबल कार्बन आइटम होंगे तो वहां पर एथ आएगा, 3 कार्बन आइटम होंगे तो प्रोप हो जाएगा, 4 के लिए आ जाएगा हमारा ब्यूट आ जाएगा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्ट हो जाएगा, 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा, 8 के लिए ऑक्ट आ जाएगा, और 9 जहां 9 कार्बन आइटम होंगे वहां पर आ जाएगा नैनो या नॉन आ जाएगा, और 10 के लिए क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। बाकी के जो सफिक्स होता है, अगर एल्केन होगा तो एन ऐड करेंगे, अगर एल्कीन होगा तो ईन ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हमारा 4 कार्बन आइटम है, वहां पर क्या कार्बन आइटम है? डबल बॉन्ड से अटैच है, तो वो एल्कीन हो जाएगा। अगर 4 है, 4 में क्या होगा हमारा? 4 में आ जाएगा हमारा ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटीन। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो बाई एन ये लगा देंगे तो ब्यूटाइन आ जाएगा। इस तरीके से जो केमिकल जो नेम्स हैं वो कैसे चेंज होंगे IUPAC के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट टॉपिक भी एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।